हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो जो है टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में खास क्या है, क्या आज बताने वाला हूं? देखिए, टैली प्राइम के अंतर्गत अगर आपका बॉस आपसे ये पूछ दे कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने का सेल किया, कितने का सामान सेल किया, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? जल्दी से दो बार डी प्रेस करेंगे यहां से और जल्दी से जाएंगे। तो मेरे पास तो तीन ही यहां पे चीजें दिख रही हैं अब, क्योंकि यहाँ पे जुलाई चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑल्ट एफ टू कर देता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी अगर आपने एंट्रीज पास कर रखी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी एंट्रीज पास कर रखी हैं, तो इसमें आपको खोजने में काफी दिक्कत होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे वो रिपोर्ट दिखाइए जो सेल्स की हो, तो अब इसमें यहाँ से जाइए, परचेज है, कंट्रा है, कंट्रा है, और मान लीजिए आपने और भी ज्यादा एंट्रीज कर रखी हो, ऐसे कंडीशन में तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए शॉर्टकट वे क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि कितने का सेल किया? देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहां से ये जो दिख रहा है ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहां पे जाना है डी प्रेस करके, एक बार डी प्रेस करना है। और फिर यहां पे कहां आना है, ये जो दिख रहा है ना यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ये दिख रहा है अकाउंट बुक, तो आपको आ जाना है अकाउंट बुक पर। और अकाउंट बुक पे आने के बाद आपको क्या देखना है, सेल्स का देखना है ना, तो यहां पे सेल्स का रजिस्टर मिल जाता है, एंटर करिए और यहां सेल्स की जो एंट्री हुई है वो पूरी आपको दिख जाएगी। यहां पे डिटेल दिख रहा है, एक ही एंट्री हुई पड़ी है तो वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि परचेज का, तो आप फिर वही काम करेंगे, गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू पे रहते हुए आपको एक बार डी प्रेस करना है और फिर सीधा कहां आना है, यहां पर आना है अकाउंट बुक पर। तो यहां आ जाइए अकाउंट बुक पर, और अकाउंट बुक पर आने के बाद यहां से चले जाइए सीधा कहां, परचेज रजिस्टर पर। तो यहां सिर्फ परचेज वाली डिटेल ही आपको नजर आएंगी। तो यहां पे देखिए, ये परचेज वाली डिटेल है, ये आपको दिख रही है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इजी है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कंट्रा वाला, तो यहाँ कंट्रा वाला दिया गया है, टी प्रेस करके कंट्रा में जा सकते हैं, वाई प्रेस करके पेमेंट में जा सकते हैं, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पेमेंट वाली हिस्ट्री खुल जाएगी। रिसिप्ट में अगर देखना है तो रिसिप्ट का अलग वाउचर बना हुआ है, जर्नल का देखना है अलग वाउचर बना हुआ है, डेबिट नोट वापसी वाली जो एंट्री होती है डेबिट नोट में होती है, तो ये एक अलग वाउचर यहाँ पे रजिस्टर बना हुआ है, क्रेडिट नोट का अलग बना हुआ है, तो सबका अलग अलग बना हुआ है, आप जो चाहे अलग से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।